हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स मेथड, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। इससे पहले मैंने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की वीडियो बना रखी है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। फ्यूचर में मैं और भी टाइप की वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो क्वेश्चन है, वो बोलती है यूजिंग सिंप्लेक्स मैथड टू सॉल्व मिनिमाइज, जो हमें दे रखा है 4x1 प्लस 8x2 प्लस 3x3। जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट हमें दे रखे हैं वो है x1 प्लस x2 की जो वैल्यू होगी वो 2 या 2 से बड़ी होगी, और दूसरा कॉन्स्टेंट हमें दे रखा है 2x1 प्लस x3 की जो वैल्यू होगी 5 या 5 से बड़ी होगी। इस केस के लिए हमें मिनिमाइजेशन फाइंड करना है। तो देखिए, जब भी मिनिमाइजेशन होगा ना तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट इधर ही होगा, दोनों साइन, ठीक है। अब मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, वैसे मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो सबसे प्रायोरिटी ये होती है पहले कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को हमें बदलना होता है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में। तो मैंने ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप में ढंग से करके समझाया है। तो देखिए, स्टेप वन में क्या करना होता है, देखिए बोलेंगे आप क्वेश्चन में, आप लिखेंगे गिवन LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम, ठीक है, ऑफ मिनिमाइजेशन। ये मिनिमाइजेशन प्रोग्राम है तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा हमें मैक्सिमाइजेशन में। उसके लिए क्या करना होता है, हमें मिनिमाइजेशन वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है और हमारा जो फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाता है मैक्सिमम में, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट आपको वही रखने होते हैं जो गिवन थे पहले से, ठीक, x1 x2 और जो भी था। उसके बाद सेकंड स्टेप में देखना होता है जो बाइज हमें दे रखे हैं, ये जो 2 और 5 है, क्या ये पॉजिटिव के हैं या नेगेटिव के भी हैं। अगर नेगेटिव के हैं तो आपको बनाना होगा पॉजिटिव में, तो ये दोनों ही पॉजिटिव के हैं, चलिए ठीक है, ये भी स्टेप सही हो गया। थर्ड स्टेप में देखिए, दोनों साइन इसी रूप के ही होने चाहिए जैसे क्वेश्चन में दे रखे हैं। थर्ड प्रायोरिटी को भी ये होल्ड कर रहा है। अब थर्ड प्रायोरिटी को जब होल्ड कर रहा है, ये साइन है और हमारा कॉन्स्टेंट वेरी कर रहा है x1 x2 और x3 में, तो हमें सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। सरप्लस वेरिएबल में हमें माइनस करना होता है, दो इक्वेशन है तो x4 और x5 हमें माइनस करना है, ओके, ये चीज़ आपको बतानी है। और सरप्लस में हमें माइनस करना होता है और स्लैक में हमें ऐड करना होता है। तो स्लैक वाला क्वेश्चन इससे पहले वाला है, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है, जो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए इसका क्या काम होता है, देखिए हमारे पास क्या दे रखा था, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, इसको इक्वालिटी में भी चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए x1 और x2 है, ये लिख दिया, और हमारा दूसरा जो कॉन्स्टेंट है वो x3 तक है, तो x3 यहाँ पर 0x3 हो जाएगा, और पहले वाले में हमें माइनस x4 करना है और दूसरे वाले इक्वेशन में माइनस x5 करना है। तो जब हम ये वाला और ये वाला इसमें से माइनस करेंगे तो ये इसका यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस 0x5, और इस वाले में लिख सकते हैं प्लस 0x4 इक्वल टू ये 2 है, ये इक्वल टू 5 है। और हमारा जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसको आप ढंग से लिख देंगे इन्हीं वेरिएबल्स के टर्म्स में, ये दे रखा था 4x1 x2 x3, तो हमें x4 और x5 इंट्रोड्यूस करने हैं यहाँ पर, तो x1 x2 x3 x4 x5, ये x4 है, ये x5 है, ठीक। ऐसा जब हो जाए तो अब हम रेडी हैं हमारे सबसे पहले सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए, जो कि आपको ये टर्म याद रखना है, आपको यहाँ लिखना है CB YB XB, जितने कांस्टेंट देखिए 1 से लेकर 5 तक है, तो आपको यहाँ C1 से लेकर C5 तक लिखना है, और यहाँ पर कॉलम रखना है एक मिनिमम रेशियो का, अगर ज़रूरत पड़े तो ये कॉलम रखना है, फिर आपको XCB YB XB। अब ये सब करने के बाद आप देखना है हमें यूनिटी कहाँ मिल रही है, मतलब आइडेंटिटी बनना है। दो वेक्टर हमने इंट्रोड्यूस किया ना, तो दो टाइप की आइडेंटिटी बनेगी, मतलब 1 0 0 1 ऐसा बनना चाहिए कहीं पर, तो कहाँ बन रहा है, देखिए 1 0 0 1 यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो C2 में हमें क्या इंट्रोड्यूस करना है, माइनस के 8 C2 माइनस का 8, और फिर X3 यानी कि C3 लिखना है, माइनस का 3 यहाँ लिख दिया, और यहाँ Y2 Y3 यहाँ X2 X3 X2 क्या होगा आपका ये, और आपका X3 क्या होगा ये 5। फिर इसके कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए माइनस 4 8 माइनस 3 0 0 ठीक। अब यहाँ क्या आएंगे, Y1 Y2 Y3 Y4 5 ये यहाँ पर है, पहले वाले इक्वेशन 1 1 0 -1 0 1 1 0 -1 0। दूसरे वाले में क्या लग जाएगा, 2 0 1 0 -1।
ओके यहाँ तक हम आ गया है। अब मैक्सिमम वैसे तो अभी निकाला नहीं, पहले ये स्टेप अब मत कीजिएगा, पहले आपको स्टेप करना होता है, आपको डेल जे निकालना होता है। ये डेल डेल वन कॉलम है, ये डेल जे टू है, ये डेल जे थ्री है, डेल जे फोर है, डेल जे फाइव है। कैसे निकलता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए डेल वन निकाल रहे हैं हम, डेल वन निकालने का फॉर्मूला यहाँ होगा, वन के लिए यहाँ सी वन हो जाएगा, टू के लिए सी टू हो जाएगा। तो सी वन माइनस ब्रैकेट के अंदर लग जाएगा डेल में, नहीं आप ये लग जाएगा आपका समेशन सी बी वाई बी। जब ऐसा करेंगे तो हमारा सी वन क्या है, देखिए माइनस का फोर है, ये हमने रख दिया। फिर सी बी वाई बी होता है माइनस आठ ए इंटू वन प्लस माइनस थ्री इंटू टू कर दिया हमने, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टेन आ जाएगा। ऐसे ही आप डेल टू निकालेंगे, डेल थ्री निकालेंगे, डेल फोर निकालेंगे, डेल फाइव निकालेंगे, वो मैंने ऑलरेडी निकाल के रख दिए हैं। अब हमें पता है सिम्प्लेक्स टेबल कब तक सॉल्व करना है, जब तक कि ये जो डेल जे हैं हमारे सारे जीरोज ना हो जाए या फिर सारे नेगेटिव ना हो जाए। अगर आपका कोई भी एक टर्म पॉजिटिव का छूट रहा है तो आपको नेक्स्ट सिम्प्लेक्स टेबल बनानी होगी, जब तक तब करना होगा तब तक ये सारे नेगेटिव या फिर जीरो ना आ जाए। तो जो सबसे बड़ी वैल्यूज होती है ना वो आपका इनकमिंग वेक्टर होते हैं, ये आपका इनकमिंग वेक्टर है। तो आपको मिनिमम रेशियो निकालना पड़ेगा और उसका फॉर्मूला होता है एक्स बी अपॉन वाई, मैंने वाई छोड़ा था, अब हमें पता चल गया वाई कौन सा आएगा यहाँ पर, वाई वन। तो देखिए एक्स बी क्या है हमारा, टू, टू अपॉन वन टू, और फाइव अपॉन टू क्या हो जाएगा, टू पॉइंट समथिंग फाइव। तो मिनिमम रेशियो कौन सा हो रहा है, मिनिमम कौन सा, वही हुआ। तो ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है ये वाला, और ये यहाँ से जा रहा है। तो दोनों कट कहाँ पे करेंगे, इस वन पे करेंगे, इस वन पे करेंगे। तो ये हमारा की एलिमेंट है, ठीक है, वन को, ये हमारा वन की एलिमेंट है किसका। अब जो नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनेगी ना तो सी टू को रिप्लेस कौन करेगा, सी वन करेगा, ये ध्यान रखना है। और वो कैसे होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो फिर से वही चीज़ आपको लिख लेनी है, सारा कुछ मैंने वो वैसे का वैसे लिख लिया है। अब की बार यहाँ मैंने सी वन कर दिया है क्योंकि वो उसको रिप्लेस करेगा, ठीक, सी वन कर दिया है। और मज़ेदार बात ये है, यहाँ पर सी वन की वैल्यू कितनी है, माइनस की फोर है, वो आप यहाँ रख दो। मज़ेदार बात ये है कि ये ऑलरेडी वन बना हुआ है की एलिमेंट, अगर वन नहीं होता की एलिमेंट तो आपको वन बनाने के लिए, जैसे सपोज करो यहाँ फोर होता तो फोर से डिवाइड करना पड़ता, फिर लिखना पड़ता, ये याद रखना। तो यहाँ पर मज़ेदार बात इसलिए है क्योंकि वहाँ पर वन बना हुआ था, तो यहाँ पर हमने सी वन रख दिया, माइनस फोर सी वन है, तो यहाँ एक्स वन भी आ जाएगा, एक्स वन हो जाएगा टू। बाकी सारी वैल्यूज़ जो कि वन है ना, कुछ करना ही नहीं है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये स्टेप नहीं रखना आपको, यहाँ तक हमने रख दी। तो ये हमारा की एलिमेंट था, की एलिमेंट के ऊपर नीचे सारे ज़ीरो बनाने होते हैं, इसको हमें ज़ीरो बनाना है, ये ज़ीरो मैंने लिखा हुआ है, मतलब इन टर्म्स को, इस वाले टर्म को आपको ज़ीरो बनाना है। कैसे बनेगा मैं लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जिसको आपको ज़ीरो बनाना है, फाइव टू ज़ीरो वन ज़ीरो माइनस वन, इसे हमने लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, ये वाले टर्म लिखने हैं, टू वन वन ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो, ये भी लिख दिया। अब रेड मैंने किया है ना, इसका मतलब मुझे इसको ज़ीरो बनाना था। यहाँ ज़ीरो कब आएगा, जब मैं इससे टू से मल्टीप्लाई करके क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो मैंने माइनस कर दिया है। तो फाइव टू टू ज़ा फोर, मैं सब फाइव में से फोर माइनस होगा तो वन आ जाएगा, ज़ीरो माइनस टू वन टू माइनस वन, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। ये यहाँ तक लिखना है आपको, ठीक है, मिनिमम रेशियो तो बाद वाला मेथड है। फिर आपको डेल जे निकालना है, डेल जे वन, डेल जे टू, डेल जे थ्री, डेल जे फोर, फाइव तक। फॉर्मूला ये होता है, डेल जे इज़ इक्वल टू सी बी माइनस सी बी माइनस वाई बी, ये फॉर्मूला होता है। इससे अभी आपको मैंने निकाल के दिखाया था, आप फिर से निकाल के लिखेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगे, इतने सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। तो सारे तो ज़ीरो हैं और नेगेटिव भी हैं, लेकिन एक प्लस का छूट गया है, फिर से मुझे नेक्स्ट सिम्प्लेक्स टेबल बनानी पड़ेगी। तो ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा इधर। अब की एलिमेंट क्या होगा वो पद देखते हैं। तो हमारे पास एक्स पी अपॉन वाई क्या हो जाएगा, अब की बार फोर, तो टू अपॉन माइनस वन नेगेटिव का आ गया। जब आपका मिनिमम रेशियो नेगेटिव का आता है तो उसे लेना ही नहीं होता है, जितने भी आएंगे उसको लेना लेंगे नहीं, और ये पॉजिटिव का आ रहा है तो इसको ही लेना है। ये इधर से जा रहा है यहाँ पर,
और ये इधर से जा रहा है, तो ये दोनों में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका की एलिमेंट हो गया। अब नेक्स्ट सिंपलेक्स टेल जब आप बनाएंगे तो इसको वन करना है और इसके ऊपर वाले को ज़ीरो करना है। ओके, तो देखते हैं। और आपकी बार सी थ्री को कौन रिप्लेस करेगा? सी फोर। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। तो आपकी बार देखिए सी थ्री को किसने रिप्लेस कर दिया? सी फोर। और सी फोर की वैल्यू कितनी थी? ज़ीरो हमने यहाँ रख दी। अब ये जो टू वाला था, यहाँ पर टू था, तो मैंने बोला था की एलिमेंट को वन करना होता है, ये हमारा की एलिमेंट वन करना होता है। हमने क्या किया, इसमें टू से डिवाइड कर दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टू से डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने पर हमें ये मिल जाएंगे, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। अब यहाँ पर वन है तो इसके वाला ऊपर वाला क्या चाहिए मुझे? ज़ीरो चाहिए। ऊपर वाला ज़ीरो चाहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन एलिमेंट्स को फिर से लिखना होगा। देखिए इन एलिमेंट्स को क्या करना होगा? फिर से लिखना होगा। ये लिख दिया। और फिर जो अभी हमारे पास आया है यूनिटी बनाने के लिए, इसको नीचे रख देना होगा। और जिसको ज़ीरो करना है, इसको ज़ीरो बनाना है, तो ज़ीरो कब आएगा? जब हम इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ देंगे, जोड़ने पर ये मिल जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ रख देनी है, रख दिया हमने वन बाई वन करके। अब जब आप डेल्जे निकालेंगे, डेल्जे निकालने का वही फार्मूला है, सी बी माइनस समेशन सी बी वाई बी। उस फार्मूले से जब आप करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। अब की बात, सारे जो डेल्जे आ रहे हैं नेगेटिव या फिर ज़ीरो हैं, जब ये हो गया तो आपको बोलना है हमें हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल चुका है, क्योंकि सारे जो डेल्जे हैं वो तो या तो ज़ीरो हैं या फिर नेगेटिव हैं, तो हमें हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल चुका है। अब जाके आप क्या निकालेंगे? मैक्सिमम, मैक्सिमम जेड डी ये निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन सी बी इंटू एक्स बी, सी बी माइनस फोर इंटू फाइव बाई टू प्लस ज़ीरो इंटू वन बाई टू कर दिया। और आंसर हमारा यहाँ से माइनस, और जो मैक्सिमम जेड आ रहा है माइनस का टेन आ रहा है, लेकिन हमें मैक्सिमम नहीं, हमें निकालना है मिनिमम। और मिनिमम हमारा क्या था? मैक्सिमम को माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के टेन आ जाएगा। ठीक, ये आ गई। किस किन पे वैल्यूज़ आई हैं? यहाँ पर हमारा एक्स वन है और एक्स फोर है, तो एक्स वन तो हमारा फाइव बाई टू है यहाँ से, लेकिन जो हमारा गिवन क्वेश्चन था उसमें एक्स थ्री एक्स और सॉरी एक्स फोर एक्स फाइव तो था ही नहीं, तो हमें हमारा आंसर एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री में छोड़ना है, क्योंकि एक्स फोर एक्स फाइव क्वेश्चन में था नहीं, और हमारा वो चीज़ हमें यहाँ मिल नहीं रही है। अगर मिल नहीं रही है तो बाकी दोनों वैल्यूज़ को रख दो जीरो के इक्वल। तो इस पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी जो कि होगी 10। आई होप ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। कुछ कैलकुलेशन पार्ट मैंने नहीं किए हैं, आप खुद करिएगा। अगर मैं उन कैलकुलेशन करता तो ये वीडियो 40 से 50 मिनट की बन जाती। किसी भी पॉइंट पर अगर डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पर भी मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।